मेरे इतने करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। हे गाइस, इट्स दिव्यांश एंड वेलकम बैक टू अदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और आज के एपिसोड के अगर प्रीव्यू की बात करें तो हम बात करने वाले हैं कैसे यहाँ पे एक स्टडी ने लियोनेल मेसी को ही टॉप 50 की रैंक से बाहर कर दिया है। साथ ही साथ हम लोग बात करें कैसे यहाँ पे सर्बिया अपने प्लेयर्स को मोटिवेट कर रहा है कि वो पोर्चुगल को वर्ल्ड कप से बाहर कर दे। और हम लोग बात करने वाले हैं मैनचेस्टर के दो पॉसिबल रिप्लेसमेंट कैंडिडेट्स के बारे में, यानी कि रॉजर्स और जिनेदिन ज़िदान। और ज़िदान के रिगार्डिंग बहुत बड़ी पॉजिटिव अपडेट है। साथ ही साथ हम लोग बात करने वाले हैं पोग्बा और रियल मैड्रिड के बीच के इस समय सिचुएशन क्या चल रही है, और ऑफ कोर्स आपको यूरोपियन ट्रांसफर मार्केट से सारी लेटेस्ट और ट्रेंडिंग अपडेट्स तो इस एपिसोड में मिली जाएंगी। तो आपको क्या करना है, आपको एपिसोड के एंड तक देखना है, और अगर एपिसोड पसंद आए तो एपिसोड को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसी के साथ शुरू करते हैं। इसी के साथ यार बात करते हैं अपनी पहली अपडेट से, और ये है टॉप 50 ड्रिबलर्स इन यूरोपियन फुटबॉल राइट नाउ। और ये जो पूरी स्टडी है ये यहाँ पे कंडक्ट करी है CIS फुटबॉल ऑब्जर्वेशन ने। तो यहाँ पर यार इन्होंने एक स्टडी करी है जिसमें इन्होंने जो प्लेयर्स की ड्रिबल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रैंक किया है। और इस स्टडी में रैंक नंबर 1 किसी और ने नहीं बल्कि लिया है, वुल्वरहैम्पटन के विंगर आडामा ट्राउरे ने। अभी जो स्टडी का पैटर्न है वो ये है कि यार एक प्लेयर 100 मिनट के दायरे में कितनी ड्रिबल्स यहाँ पे कंप्लीट करता है, और आडामा ट्राउरे रैंक नंबर 1 पे है विद 11.2 ड्रिबल्स। अगर रैंक नंबर 2 की बात करें तो ये है एसी मिलान का राफेल लियाओ विद 7.2 ड्रिबल्स पर 100 मिनट। और अगर और पॉपुलर नाम की बात करें तो यहाँ पे रैंक नंबर 5th पे आते हैं नेमार विथ 6.28 ड्रिबल्स पर 100 मिनट। और यहां पर अगर हम नंबर 10 की बात करें तो वो कोई और नहीं बल्कि किलियन एम्बापे विथ 5.33 ड्रिबल्स पर 100 मिनट। अब ऑफकोर्स यार सबसे बड़ा जो नोटिसेबल एब्सेंस है वो कोई और नहीं बल्कि है लियोनेल मेसी। अब मेरे लिए लियोनेल मेसी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ड्रिबलर ऑफ ऑल टाइम है, और मैं कहीं ना कहीं ये मानता हूं कि ये स्टडी एक फर्दर प्रूफ है कि कैसे यहां पे मॉरिशियो पोचेटिनो की जो टैक्टिक्स है लियोनेल मेसी को लेकर PSG में, वो कहीं ना कहीं उसके पर्सनल परफॉर्मेंस पर भी बहुत बड़ा असर डाल रही है। क्योंकि अगर इसी स्टडी की बात करें तो लास्ट ईयर जब ये स्टडी इस टाइम कंडक्ट की गई थी तो लियोनेल मेसी ने बार्सिलोना में रहकर 4.9 ड्रिबल्स कंप्लीट करी थी पर 100 मिनट, और ये इस समय गिरकर आ गई है 2.7 पे। अब इसके रिगार्डिंग यार आपका क्या ओपिनियन है, क्या आप भी मेरी तरह एग्री करते हैं कि यस यहां पे मॉरिशियो पोचेटिनो की टैक्टिक्स बिल्कुल ही फेल हो रही है लियोनेल मेसी को यूज करने में, या फिर आप कहते हो कि नहीं यहां पे थोड़ा ब्लेम लियोनेल मेसी खुद की परफॉर्मेंस पे भी जाना चाहिए कि वो अपनी साइड से भी थोड़ा सा डिग्रेडेबल खेल रहा है। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की। तो भाई आज यार पोर्चुगल वर्सेस सर्बिया का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और हाई स्टेक्स वाला मैच है वर्ल्ड कप क्वालिफायर का, और ऐसे में यार सर्बिया के जब प्लेयर जब फ्लाइट में थे तो उनको एक अपडेट दिया जाता है कि अगर वो यहाँ पे पोर्चुगल को वर्ल्ड कप से मतलब इस क्वालिफायर मैच में हरा देते हैं और अपना स्पॉट यहाँ पे कंफर्म करते हैं तो उनको यहाँ पे 1 मिलियन यूरोस का बोनस मिलने वाला है, जो कि बहुत बड़ा है। और ऐसे में आप मान सकते हो कि ये बोनस दे के कहीं ना कहीं सर्बिया अपने प्लेयर्स को किस तरीके से मोटिवेट कर रहा है कि वह यहाँ पे एक बड़ा अपसेट दे सके पोर्चुगल को उनके होम ग्राउंड पे। वैसे मैं आपको बता दूं लास्ट टाइम जब इनके बीच एक मैच हुआ था तो कॉन्ट्रोवर्सी मची थी जब रोनाल्डो ने इंजरी टाइम में गोल स्कोर किया था लेकिन उसको रूल आउट कर दिया गया था, उसके बाद वो कैप्टन आर्मबैट फेंक दिया था उन्होंने, तो एक कंट्रोवर्सी अपने आप में क्रिएट हुई थी। तो अपने आप में ये बहुत बड़ा मैच होने वाला है आज का। और वैसे मेरे रिगार्डिंग कहीं ना कहीं आज के मैच के डिस्पाइट कुछ भी रिजल्ट हो यहाँ पे पोर्चुगल को ड्रॉ चाहिए सिर्फ अपने आप को वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करवाने के लिए। लेकिन यहाँ पे फर्नांडो सैंटोस के जो मैनेजरियल जो उसका जो स्टाइल है ना यार उस पर कहीं ना कहीं आप सवाल खड़े होने चाहिए, क्योंकि पोर्चुगल एक ऐसी टीम है जो कि वर्ल्ड कप जीतने वाली कैपेबिलिटी रखती है, बट अगेन यहाँ पर मतलब यहाँ पे क्वालिफाई करने के भी लाले पड़ रहे हैं। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की, जो कि है मैनचेस्टर यूनाइटेड से। तो इस एपिसोड में यार हम लोग दोनों अपडेट्स की बात करेंगे, यानी कि रॉजर्स को लेके भी और ज़िदान को लेके भी। अब यार रॉजर्स के रिगार्डिंग मैंने एक एक्सक्लूसिव वीडियो कल अपने चैनल पर डाली थी, अगर आपने वो नहीं देखी तो आप इस एपिसोड के बाद डेफिनेटली उस एपिसोड को जरूर देखना। और वहां पर यार मैंने आपको कहा था कैसे यहां पर यूनाइटेड एग्रेसिवली पुश कर रही है रॉजर्स को साइन करने के लिए, और अब यार ये रिपोर्ट आई है कि यहाँ पे मैनचेस्टर की हायरार्की की डायरेक्टली बात हो चुकी है ब्रेंडन रॉजर्स से, और यहाँ पे डायरेक्टली नेगोशिएशन स्टार्ट हो चुके हैं बिकॉज ऑफ द रिलीज क्लॉज बिटवीन रॉजर्स एंड लेस्टर सिटी। तो आप मान के, और ये सब जो हो रहा है ये सब पता है ओले गुनर सोलशायर को, और उसको पता है कि यहाँ पे यूनाइटेड बहुत ही अग्रेसिवली लाइनअप कर रही है एक रिप्लेसमेंट के। तो ये सब सुन के मेरे ख्याल से आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड कितना सारा होमवर्क करके बैठी है ब्रेंडन रॉजर्स को, और इन केस
यहाँ पे अगर ओले को सैक करने की बारी आई तो मेरे ख्याल से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा यहाँ पे रॉजर्स को अनाउंस करने के लिए। लेकिन जहाँ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे रॉजर्स के साथ यहाँ पे इतना एग्रेसिवली पुश कर रही है यूनाइटेड, यहाँ पे एक बड़ी पॉजिटिव अपडेट यहाँ पे ज़िनेदिन ज़िदान के रिगार्डिंग भी है। अब देखो यार, ज़िदान के रिगार्डिंग अब तक हमें ये लग रहा था कि भाई वो सुनने के लिए रेडी नहीं है, उसको यूनाइटेड में इंटरेस्ट ही नहीं है, वो ने मना कर दिया है, बैक चैनल्स के थ्रू उसने लाल झंडी दिखा दी है। लेकिन आज के लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली है। सबसे पहले तो ऐसा नहीं है कि ज़िदान को यूनाइटेड की जॉब में इस समय कोई इंटरेस्ट नहीं है या फिर उसने मना कर दिया है। ज़िदान इस समय ये सोच रहा है कि क्या इस मिड सीज़न में कोई सी भी जॉब लेना सही रहेगा या नहीं, कोई सी भी जॉब लेना सही रहेगा या नहीं, यानी कि वो किसी भी जॉब को लेकर इस समय अनश्योर है सिवाय नेशनल टीम वाली जॉब। ठीक है, उसको उसका केस भी पता है कि वो वर्ल्ड कप के 2022 से पहले तो कोई मतलब नहीं बनता कि वहाँ पर दीदियर देशांस को सैक किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर ज़िनेदिन ज़िदान के पर्सपेक्टिव से हम बात करें तो ज़िदान इस समय अनश्योर है कि मिड सीज़न में किसी टीम के को मैनेजरियल मैनेज करना यहाँ पे सही रहेगा या फिर नहीं। अब बात करते हैं यूनाइटेड के पर्सपेक्टिव से, तो जहां यार यूनाइटेड एग्रेसिवली रॉजर्स के लिए पुश कर रही है, वहीं यूनाइटेड इस समय ज़िदान को भी धीरे धीरे कन्विंस करने की कोशिश कर रही है। और ऐसे में सबसे बड़ा हुकुम का इक्का यहां पे निकल के आ रहे हैं रोनाल्डो और राफेल वरान। यूनाइटेड बहुत ज्यादा डिपेंड हो रही है इन दोनों प्लेयर्स पर कि ये कुछ भी करके उसको कन्विंस करें कि यहां पर वो यहां पर यूनाइटेड में आने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन इसके रिगार्डिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन मेरे दिमाग में हाइपोथेटिकली आ रही है। मान लो अगर ज़िदान भी यहां पर मान जाता है कि ठीक है भाई मैं यूनाइटेड में आ रहा हूं और रॉजर्स भी उधर से तैयार बैठा है, तो मैं आपसे चाहता हूं कि आप अपने ओपिनियन बताएं, दो ओपिनियन बताएं कि क्या आपको लगता है कि यहां पर यूनाइटेड किसके साथ जाएगी जब दोनों ही मैनेजर्स अगर अवेलेबल हो गए, और क्या आप चाहते हैं कि यहां पर यूनाइटेड उसके साथ जाए। इन दोनों ही ओपिनियंस अपने कॉमेंट सेक्शन में जरूर जरूर बताना। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं बार्सिलोना की। तो यार एक बहुत बड़ा रिटर्न यहाँ पे कंफर्म हो गया डैनी अल्वेस का, एंड इट्स अ यू नो होम कमिंग, द लेजेंड वापस अपने घर आ चुका है। तो यहाँ पे हमारे पास एक अपडेट आया है कि यहाँ पे किस तरीके से ज़ाबी यहाँ पे डैनी अल्वेस को यूज़ कर सकता है। तो यार डैनी अल्वेस का जो प्लान होगा ज़ाबी की तरफ से, वो ये होगा कि जब भी किसी मैच में एक लीडर चाहिए होगा पिच पे या फिर एक एक्सपीरियंस प्लेयर चाहिए होगा तो वो एज अ राइट बैक खेलेगा, और जब कभी जॉर्डी अल्बा को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना पड़े या फिर उसका एक बैकअप लेना पड़े तो यहाँ पे डैनी अल्वेस को लेफ्ट बैक पे भी खिलाया जा सकता है। तो ये हम कह सकते हैं कि ज़ाबी के पास एक अच्छा खासा ब्लूप्रिंट है और एक हम कह सकते हैं कि अच्छा खासा मैनेजमेंट यहाँ पे उसके पास एक स्ट्रैटेजी है डैनी अल्वेस को फुल मैक्सिमम पोटेंशियल यूज करने के लिए। अब हमको यार ये तो बताइए कि बार्सिलोना एक विंगर के लिए ट्रांसफर मार्केट में काफी ज्यादा पैनिक मोड में है या फिर हम कहूँ काफी ज्यादा एक्टिव है। और इस समय यार जैसे आपको याद होगा कि मैंने कुछ एपिसोड्स पहले ये बताया था कि जॉन लेपोर्टा एक वर्दी बैलेंडोर विनर को यहाँ पे अपनी टीम में लेके आने वाले हैं, और वो कोई इस समय और नहीं बल्कि होने वाले हैं करीम आडेयामी। अब आडेयामी के रिगार्डिंग सिचुएशन ये है कि आडेयामी के लिए ऑलरेडी बहुत सारे टॉप यूरोपियन क्लब्स इस समय लाइनअप कर रहे हैं, चाहे लिवरपूल हो, बायर्न म्यूनिख हो, डॉर्टमुंड हो, और उसमें बार्सिलोना भी कहीं ना कहीं है। लेकिन यहाँ पे बार्सिलोना के जो लपोर्ता हैं वो ये मानते हैं कि जो उसके पर्सनल एम्बिशन है वो बार्सिलोना में ही लाए करते हैं, और ऐसे में यहाँ पर जो प्लेयर पर्सनल एम्बिशन है वो यहाँ पर बड़ा रोल करेंगे बार्सिलोना को साइन करने में। वैसे मैं आपको बता दूं कि 10-15 मिलियन ही है बार्सिलोना पे खर्च करने के लिए, बट स्टिल वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। लेकिन उनके मानने से क्या होता है, मैं आपको बैटिंग आउट बता देता हूँ कि यहाँ पर कहीं ना कहीं डॉर्टमुंड के ज़्यादा चांसेस हैं करीम आडेयामी को साइन करने के इस समय रूमर्स और बैटिंग ऑर्ड्स के हिसाब से। लेकिन आई थिंक यहाँ पे अगर बार्सिलोना पुश करेगी ना तो बार्सिलोना उसको ले सकती है, एंड ही वुड बी वेरी वेरी बिग साइनिंग फॉर बार्सिलोना इन अ फ्यूचर। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं एक और जो कि कल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग और न्यूज़ में था, वो था थियागो अल्कांट्रा फ्रॉम लिवरपूल। अब यहाँ पे ज़ावी पर्सनली चाहता है कि ये प्लेयर बार्सिलोना में आए, और ऐसे में जो प्लेयर हैं उसके भी पर्सनल एम्बिशन है कि वो बार्सिलोना में अपना रिटर्न करें। लेकिन इसमें दो प्रॉब्लम है, पहला एक तो मेरा पर्सनल लॉजिक रहेगा, दूसरा यहाँ पे मैं आपको रूमर्स बता देता हूँ कि रिपोर्ट के हिसाब से लिवरपूल इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन नेगोशिएशन, लिवरपूल मतलब इंटरेस्टेड नहीं है नेगोशिएट करने में, तो वो उधर के उनके एंड से तो ख़त्म हो गया। दूसरी चीज़ मेरे को लगता है कि जितना यहाँ पे आप कह सकते हो कि एक्साइटिंग ये प्रोजेक्ट लग रहा है, मेरे ख्याल से जब आपके पास पैसे कम है तो आप इसको डेफिनेटली आप किसी और पोजीशन पे यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज अगर मिडफील्ड की बात करें तो आई थिंक बार्सिलोना के पास मोर देन इनफ और बहुत अच्छा यहाँ पे मिडफील्ड है, तो डेफिनेटली मेरे को लगता है कि हम 2-3 पोजीशंस को और यहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं, ये मेरा मानना है। आपका अगर कुछ और है तो आप डेफिनेटली मेरे को कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर बताएं। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की, और ये आती है बायर्न म्यूनिख के फॉर्मर प्रेसिडेंट उली होनेस ने, जिन्होंने एक रिसेंट इंटरव्यू में कहीं ना कहीं रोनाल्डो पे स्टेटमेंट दिया है। अब यार हमें पता है कि रोनाल्डो के रिगार्डिंग पिछले कुछ टाइम में थोड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है कि भाई अगर यूनाइटेड टॉप 4 में फिनिश नहीं करेगी तो रोनाल्डो यहां पर
छोड़ सकता है यूनाइटेड को, जिसके रिगार्डिंग जो ओपिनियन से वो बटे हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि रोनाल्डो में लॉयल्टी नहीं है, तो कुछ लोग कहते हैं कि रोनाल्डो ने तो बेस्ट किया लेकिन यूनाइटेड डिजर्व नहीं करती। अब इसके रिगार्डिंग ये सब परसेप्शन और पर्सपेक्टिव की बात है, लोगों के डिफरेंट ओपिनियन हो सकते हैं। लेकिन इसके रिगार्डिंग यहाँ पे ओले ओनर्स ने ये कमेंट किया है कि यहाँ पे यूनाइटेड वो गलती ना करे जो कि रियल मैड्रिड ने करी थी और जो कि जुवेंटस ने करी थी, क्योंकि रोनाल्डो एक ऐसा प्लेयर है जो कि डिस्पाइट हिज एज, डिस्पाइट एनी सिस्टम, डिस्पाइट एनी टैक्टिक्स, डिस्पाइट अंडर एनी मैनेजर, वो गोल स्कोर करेगा, वो कंसिस्टेंटली गोल स्कोर करेगा और वो आपको 20 से 30 से 40 गोल आपको हर सीजन ला के देगा, नो मैटर कि आपकी टीम किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। अब इसके रिगार्डिंग आपका क्या ओपिनियन है कि क्या डेफिनेटली रियल मैड्रिड ने गलती करी थी रोनाल्डो को बेचकर, या फिर जिस तरीके से फ्लोरेंटिनो पेरेस का मानना था कि भाई रोनाल्डो की अब एज नहीं है, रोनाल्डो इज़ नॉट इन हिज प्राइम, तो उसकी सैलरी डिमांड्स मानने में कोई फर्क नहीं पड़ता और इसको बेच दिया जाए, वो ज़्यादा सही था। तो आप इस ऑपरेशन में फ्लोरेंटिनो पेरेस के साथ हैं या फिर रोनाल्डो के साथ हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं यार पॉल पोग्बा में, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी ये रिपोर्ट है, जहां हम एक तरफ कल के परसों के एपिसोड में हम लोग बात करी थी कि यहां पे पॉल पोग्बा मैनचेस्टर यूनाइटेड में रहने के लिए हाईएस्ट अर्नर बनना चाहते हैं, यानी कि रोनाल्डो से ज्यादा सैलरी चाहिए। लेकिन एक रिपोर्ट ये भी है कि अगर पोग्बा किसी और क्लब में जाएगा तो वो उतनी ही सैलरी लेगा जितनी वो इस समय यूनाइटेड में ले रहा है, यानी कि 12 मिलियन यूरोस पर सीजन। तो मतलब यूनाइटेड में रहने के लिए उसको रोनाल्डो से ज़्यादा सैलरी चाहिए, बट अगर किसी और क्लब में जाएगा तो वो यहाँ पर कहीं ना कहीं 12 मिलियन में ही सेटिस्फाइड है। और जुवेंटस के केस में तो यार मैं बताऊँ आपको, पे कट वाला भी प्रॉब्लम यहाँ पे रिपोर्ट सामने आई थी जो कि हमने डिस्कस भी करी थी। अब यार हमें पता है कि जुवेंटस इस समय हाईली रूमर्ड है और बैटिंग ऑर्डर सबसे ऊपर है, लेकिन हाल ही में जो सबसे ज़्यादा एक्टिव है और जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड दिख रहा है वो कोई और नहीं बल्कि रियल मैड्रिड है। देखो जिदेन के जाने के बाद हमको लगा कि यार आई थिंक हाइप खत्म हो गई है, जिदेन को ही पसंद था, अब नहीं आएगा पॉल पोग्बा, बट ऐसा नहीं है। फ्लोरेंटिनो पेरेज इज डेफिनेटली द ह्यूज एडमायरर ऑफ पॉल पोग्बा और वो उसको बहुत क्लोजली मॉनिटर भी कर रहे हैं। बाकी कार्लो एंसेलोटी के प्लान्स में डायरेक्टली फिट होता है पॉल पोग्बा, क्योंकि कार्लो एंसेलोटी मानता है कि जो एजिंग मिडफील्ड है, चाहे लुका मॉड्रिच हो, टोनी क्रूस हो, उसमें कहीं ना कहीं डायरेक्टली स्वैप हो सकता है पॉल पोग्बा। और ऐसे में जो कन्विंसिंग फैक्टर है वो होने वाले बेंजेमा एंड पॉसिबली केलन एम्बापे, क्योंकि दोनों की पोग्बा से अच्छी खासी बनती है। और ये ट्रायो ना भाई मज़े दिला देगा, ये ट्रायो अगर ये सही में रियल मैड्रिड बना देती है, बट रियल मैड्रिड कितना कुछ प्लान कर रही है अपने नेक्स्ट ट्रांसफर मार्केट के लिए जो कि अपने आप में बहुत फैसिनेटिंग है। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं आप ट्रांसफर मार्केट से, सबसे पहले बात करते हैं हम रहीम स्टर्लिंग की। तो भाई स्टर्लिंग के कैंप ने कन्फर्म कर दिया कि अगर जनवरी तक वो स्टार्टिंग 11 में रेगुलर नहीं रहा तो वो यहाँ पे मैनचेस्टर सिटी के साथ ना तो डील साइन करेगा बल्कि लोन पे भी चला जाएगा और या फिर एक परमानेंट डील पे भी जा सकता है वो। और ऐसे में सिटी सबसे पहले तो प्रेशर बना रही है क्योंकि 1.5 साल बचे हैं उसके डील को खत्म होने में, कि प्रेशर बना रही है कि रहीम स्टर्लिंग अपना जो फ्यूचर है वो कमिट करे सिटी में। बट इन केस लेट्स नॉट हाइड फ्रॉम रियलिटी, रियलिटी ये है कि अगर मान ही लिया है प्लेयर ने तो 35 से 40 मिलियन यूरोस का जो प्राइस टैग है वो लगाया गया है रहीम स्टर्लिंग पे, जो कि मेरे हिसाब से तो काफ़ी ठीक है, मेरे ख्याल से इट्स जस्टिफाइबल। अब आपको मैंने बताया था कि लिवरपूल का जो बजट है वो भी 40 मिलियन है, तो ऐसे में लिवरपूल एक शॉकिंग इमोशनल रिटर्न ला सकती है रहीम स्टर्लिंग का इन द लिवरपूल। और बस इसके रिगार्डिंग दो प्रॉब्लम है मेरा, सबसे पहले तो कि क्या यहाँ पे सिटी डायरेक्टली राइवल के साथ नेगोशिएट करेगी, और दूसरा ये कि क्या जो प्रॉब्लम रहीम स्टर्लिंग मैनचेस्टर सिटी में फेस कर रहा है क्या वो लिवरपूल में फेस नहीं कर रहा है, क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, क्योंकि सिटी में यही तो है कि वो स्टार्टिंग 11 में अपनी जगह नहीं बना रहा, तो जगह तो वो मेरे ख्याल से लिवरपूल में भी बना पाएगा। या फिर इसके रिगार्डिंग आपका कोई और ओपिनियन है तो डू लेट मी नो कि जर्गन क्लॉप किस तरीके से फिट कर सकता है रहीम स्टर्लिंग को। वैसे मैं बता दूं कि बार्सिलोना भी इस समय कहीं ना कहीं लाइनअप कर रही है स्टर्लिंग के लिए, बट अगेन प्रॉब्लम यही है कि पैसे नहीं है बार्सिलोना के पास। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की, और यार यहाँ पे अगेन हैरी केन का जो सागा है वो फिर से शुरू होने वाला है, और ये मैं मानता हूँ कि एंटोनियो कॉन्टे की इस पर्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि यार रिपोर्ट्स के हिसाब से मैनचेस्टर सिटी एक बार फिर से जनवरी ट्रांसफर विंडो में हैरी केन के लिए एक बहुत बड़ा ऑफर लेके आने वाली है, और ये ऑफर अगेन 100 और 150 मिलियन के आसपास होगा। अब ये देखने वाली बात है कि यहाँ पे अब देखो यार हमें पता है कि समर ट्रांसफर विंडो पूरे ही ट्रांसफर विंडो में ड्रामा चला कि हैरी केन जा रहा है नहीं जा रहा है, ये पैसे दे दिए उसने पैसे दे दिए, डैनियल लेवी ने मना कर दिया, और उसका इफेक्ट हम अभी तक देख रहे हैं कि हैरी केन अभी तक स्पर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं चला है, लिटरली सी लेवल से भी नीचे की परफॉर्मेंस दे रहा है वो स्पर्स के लिए। और ऐसे में कहीं ना कि आपको पता है कि अब क्योंकि एंटोनियो कॉन्टे इज़ द न्यू मैनेजर तो चीज़ें इतनी ज़्यादा सिंपल नहीं होंगी और चीज़ें इतनी ज़्यादा अपने हिसाब से नहीं चलेंगी, चलेंगी कॉन्टे के हिसाब से। और यहाँ पे देखना है कि क्या कॉन्टे हैरी केन को कन्विंस करता है
या फिर कॉन्टे यहाँ पर 100 या 100 150 मिलियन ले लेगा और उसको वापस जगह इन्वेस्ट कर देगा, क्योंकि ऑफकोर्स कॉन्टे बड़े बड़े डिसीजन लेने में नहीं डरता और वो ले लेगा क्योंकि डैनियल लेवी ने उसको पूरी फ्रीडम दे रखी है। अब इसके रिगार्डिंग आपके क्या ओपिनियन है, क्या आप ऐसे केस में अगर सिटी आपको 120 150 मिलियन यूरो दे रही है एक ऐसे प्लेयर के लिए जो कि आपके लिए पिछले 6 महीने से बिल्कुल भी नहीं चला, तो क्या आप उसको रखोगे अपने पास कन्विंस करने के लिए या फिर आप उसको सेल करके जो पैसा है वो कहीं और इन्वेस्ट कर दोगे? डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन डाउन बिलो। तो इसी के साथ दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइस, आई होप आपको एपिसोड पसंद आया हो। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको इसी तरह फुटबॉल से रिलेटेड कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के यार स्टे ट्यून्ड स्टे सेफ एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड।